प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए, विद्यार्थी जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते रहते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं, उनके बीच में एक क्वेश्चन जनरली निकल के आता है और बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन है वो आखिर किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार की कैटेगरीज रिजर्वेशन की होती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो गवर्नमेंट जॉब में किस प्रकार से रिजर्वेशन लगता है और जो सिलेक्शन होते हैं वो उसके बाद किस प्रकार से होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो रिजर्वेशन है वो भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 15 और 16, 15 में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोविजन है, जो गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थान हैं, और अनुच्छेद जो 16 है, आर्टिकल 16 है, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। तो बेसिकली जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन किस प्रकार से काम करता है, इस पर आज हम देखेंगे। बाकी आपके जो सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे तो, और ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्वेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जो भारत के संविधान में जिसका जिक्र किया गया है और जो नौकरियों में भी लगता है। एक सबसे पहला जो रिजर्वेशन होता है वो होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, समझेंगे, वर्टिकल रिजर्वेशन, और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हिंदी में जो इसे कहते हैं, वह वर्टिकल को इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन। अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है क्षैतिज रिजर्वेशन। अब ये समझिए कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए, जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो मेन स्ट्रीम के रिजर्वेशन पे लगता है। जैसे हमने बात की SC अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन, वो वर्टिकल होता है। ST के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो भी वर्टिकल होता है। OBC के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो भी वर्टिकल होता है। और EWS का जो नया रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, वो भी वर्टिकल होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वर्टिकल जो रिजर्वेशन होते हैं वो चार ही हैं भारत में। भारत के संविधान में जो भारत में अप्लाई किए जाते हैं वो चार ही रिजर्वेशन है, ठीक। SC अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी किस रिजर्वेशन में आते हैं, ऊर्ध्वाधर में। ST के जो अभ्यर्थी हैं ऊर्ध्वाधर में, OBC के भी ऊर्ध्वाधर में, और EWS के ऊर्ध्वाधर। अब आप ये समझ रहे होंगे कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है। अब ये बड़ी आसानी से समझ आएगा, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए बताई जा रही है ताकि जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे वुमेन के लिए कहीं पर रिजर्वेशन होता है, एक्स आर्मी के लिए कहीं पर रिजर्वेशन होता है, जो आर्मी से रिटायर हुए रहते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन किसी एरिया में रहता है, किसी राज्य में रहता है। इसके अलावा DFF, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित थे, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कुशल खिलाड़ी होते हैं, ठीक, उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है, ठीक। इसके अलावा कुछ राज्यों में अनाथों के लिए, ऑर्फन के लिए भी रिजर्वेशन है, वो भी आपका क्षैतिज रिजर्वेशन होगा। इस प्रकार से आप इस रिजर्वेशन को समझ सकते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या कहीं कहीं पे फिजिकली हैंडीकैप भी कहते हैं, ये भी एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये समझना है, वर्टिकल रिजर्वेशन ये है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये है। अब अंतर क्या है जी? देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन वो होता है जिस रिजर्वेशन की सीटें फिक्स होती हैं उसमें कोई फाइट नहीं कर सकता। अगर SC की सीटें किसी भर्ती में फिक्स हैं तो वो सिर्फ SC के ही अभ्यर्थियों से भरी जाएगी, उसके अलावा किसी से नहीं भरी जाएगी। ST के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो उनसे ही भरी जाएगी। OBC की जो सीटें हैं वो उन्हीं उम्मीदवारों से भरी जाएगी, और EWS की सीटें उन्हीं उम्मीदवारों से भरी जाएगी। लेकिन EWS के मामले में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि चूंकि EWS में सामान्य वर्ग का ही कैंडिडेट जाएगा, SC ST OBC का तो जाएगा नहीं, तो ये कहा गया कि EWS में जो कैंडिडेट होंगे वो सामान्य के ही हैं, तो अगर EWS का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो सामान्य से भरी जा सकती है। ये एक ऑर्डर है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें कितना काम सरकारों ने किया वो देखने वाली बात है, आप अपने अपने स्टेट में देख सकते हैं।
अब देखिए ये जो सीटें हैं इन पर यही कैंडिडेट फाइट करेंगे, ये समझना है। अब अगर माना इन सीटों पर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, इस ईडब्ल्यूएस को छोड़ दीजिए अगर, तो एससी एसटी ओबीसी में माना कैंडिडेट नहीं मिले, जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, माना कोई भर्ती चल रही है वर्तमान में और कैंडिडेट नहीं मिला एससी का, तो वो जनरल में नहीं जा सकती, वो सीटें किसी और को नहीं दे सकते, वो सीटें यथावत रहेंगी और उन सीटों को बाद में बैकलॉग में डाल दिया जाएगा। अब आप लोग समझते होंगे कि बैकलॉग की भर्तियां आती हैं और वो एससी के लिए एसटी के लिए, उसमें ओबीसी इस प्रकार के रिजर्वेशन के कैटेगरी रहे, तो वो इसी कारण आती हैं क्योंकि पिछली जो भर्तियां आई होंगी उसमें इन वर्गों की सीटें नहीं भरी गई होंगी, इसलिए वो क्या हो गया, बैकलॉग में चली गई, यानी वो सीटें एससी वर्ग की हैं और चाहे जब तक हो वो बैक एससी की ही रहेंगी, अगर आगे भी नहीं भरी जाती है तो चलती रहेगी। तो इस प्रकार का जो प्रोविजन है कि जो बैकलॉग का है, अगर पिछली भर्ती की कुछ सीटें छूटी हुई है तो वो बैकलॉग में जाएगी और उसके लिए स्पेशल भर्ती चलाई जाएगी, वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी जिस वर्ग के लिए खाली है वही कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है, इस रिजर्वेशन के मामले में समस्याएं ये हैं, समस्याएं तो क्या है, आप ये समझिए कि ये रिजर्वेशन जो लगता है वो इन रिजर्वेशन के भी अंदर लगता है। अब इसके बाद जो अल्टीमेट जो बचता है वो अनरिजर्व्ड की सीट में, यानी अनारक्षित, यू आर भी लिखा रहता है, या ओपन या जनरल भी जिसे कहते हैं आप। अब ये जितने रिजर्वेशन हैं ये इन रिजर्वेशन के अंदर लगेंगे, ये जितना परसेंट है उस राज्य में, माना किसी राज्य में 30% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, तो एससी की जितनी सीटें हैं उसका 30% एससी वुमेन के लिए रहेगा, ऐसे ही एसटी वुमेन के लिए रहेगा, ऐसे ही ओबीसी वुमेन के लिए रहेगा और ईडब्ल्यूएस वुमेन के लिए, और अनरिजर्व में भी 30% सीटें वुमेन के लिए रहेंगी हर कैटेगरी में। तो यही 36 रिजर्वेशन है और यही काम करता है एक्स आर्मी, माना किसी राज्य में 5% रिजर्वेशन, 36 रिजर्वेशन है एक्स आर्मी कैंडिडेट के लिए। तो एससी का एक्स आर्मी क्या होगा, एससी के लिए जितनी सीटें आरक्षित हुई कुल भर्ती में, उन सीटों का 5% किसकी होगी, एससी के कैंडिडेट जो एक्स आर्मी वाले हैं। इस प्रकार से ये रिजर्वेशन काम करता है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रिजर्वेशन या मेन स्ट्रीम की जो सीटें हैं उनके अंदर लगता है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनरिजर्व के अंदर भी ये रिजर्वेशन लगेगा हॉरिजॉन्टल वाला, एससी के अंदर भी लगेगा, एसटी के अंदर भी लगेगा, ओबीसी के अंदर भी लगेगा, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगेगा। तो ये समझते हैं कि आखिर ये रिजर्वेशन किस प्रकार से काम करता है। अभी तक जो समझ आ गया होगा आपको कि ये किस प्रकार की रिजर्वेशन है। अब देखिए, माना कि किसी भर्ती में 100 पद एडवर्टीजमेंट में आए हुए, कोई भी भर्ती है एक्स वाई जेड, कोई भी किसी भी स्टेट की भर्ती है, माना 100 पोस्ट आई हुई है, कितने पोस्ट आई हुई है, 100 पोस्ट, ठीक। अब इसमें रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा ये आपको देखना है। 100 पोस्ट आई हुई है किसी राज्य में, तो देखिए हमने कहा था कि जो मेन स्ट्रीम का रिजर्वेशन होगा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आखिर में जो बच जाएंगी वो अनरिजर्व्ड होंगी, यानी अनारक्षित, ओपन भी कहते हैं जहां पर, यू आर या ओपन, ठीक। अब माना किसी राज्य में रिजर्वेशन है 19%, तो 100 पद में से कितने पद, 100 का 19%, 19 पोस्ट किसके लिए हो जाएंगे, एससी कैटेगरी के लिए, समझिएगा इसे। एसटी के लिए माना 4% रिजर्वेशन है किसी राज्य में, अलग अलग हो सकता है, तो वहां पर कितनी सीटें हो जाएंगी, 100 का 4%, यानी 4 सीट, यानी 4 पोस्ट। ओबीसी माना 14% रिजर्वेशन है, तो कितना होगा, 100 का 14%, यानी 14 सीट्स, इतने पद आरक्षित रहेंगे इनके लिए। और ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, तो 100 का 10%, यानी 10 सीट्स कितने किसके लिए होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अब इसमें देखिएगा, अब ये जो सीटें बची हुई आरक्षित हो गई, इसके बाद जो सीटें बचेंगी वो किसके लिए हो जाएंगी, ओपन के लिए, अनरिजर्व के लिए। ये कितनी सीटें हुई, 19, 4, 23, 10, 33, 10, 43, 4, 47, 47 सीट तो रिजर्व हो गई भाई,
100 में से, अब बची कितनी, 53। तो 53 जो सीट्स होंगी वो अनरिजर्व होंगी, ओपन होंगी, ये समझिएगा, ओपन होंगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आखिर ये रिजर्वेशन के और क्या फायदे, एक तो ये सीटें रिजर्व हो गई, एक फायदा और है, माना कि अनरिजर्व की जो सीट है उसमें एससी का कोई कैंडिडेट है, उसके लिए 19 पोस्ट तो रिजर्व है ही, लेकिन उसके मार्क्स ऐसे हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में आ सकता है, ये बहुत अच्छे मार्क्स है, माना टॉपर है, तो वो क्या करेगा कि एससी की सीट बरकरार रहेगी, एससी की 19 सीटें बरकरार रहेगी और वो ओपन अनरिजर्व की सीट पर सेलेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस वर्टिकल रिजर्वेशन की कि अगर वो कैंडिडेट अपने कोटे से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, माना कट ऑफ ज़्यादा है, तो वो अनरिजर्व यानी ओपन जिसे जनरल भी कहते हैं, जनरल में सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी सीट बरकरार रहेगी। फिर ये जो नीचे वाले कैंडिडेट को मिलेगी, जो एससी का कैंडिडेट जिसके नीचे मार्क्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एससी एसटी के मामले में और एससी ओबीसी के मामले में और ईडब्ल्यूएस के मामले में, ये मानी ये आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लेके टॉप पे आ जाते हैं तो वो अनरिजर्व्ड सीट्स पे फाइट करेंगे, बल्कि ये सीटें क्या रहेंगी, बरकरार रहेंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रिजर्वेशन की, अब वो रिजर्वेशन क्या है कि इनके अंदर लगेगा, ये समझिएगा। अगर माना वुमेन का रिजर्वेशन है किसी राज्य में और माना 30% रिजर्वेशन है, तो वो एससी के वुमेन के लिए 30% 19 सीटों के अंदर लगेगा, ये समझिएगा, 19 57 यानी 5.7 हो रहा है। तो ये अब इन पे डिपेंड करता है जो भर्ती करवा रही है संस्था या जिस डिपार्टमेंट में चाहिए, वो अब इस 5.7 को 6 भी ले सकती है, और जब वुमेन ये 5.5 के बाद पूरी सीट ही मान लेते हैं तो 6 सीटें वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी एससी के अंदर, ध्यान रखेंगे एससी के अंदर 6 सीटें किसके लिए होंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसी प्रकार एसटी के अंदर भी होगा, 1.2 आ रहा है फोर्थ पोस्ट का, 30% निकाल तो 1.2 आ रहा है, तो तकरीबन एक सीट इसके लिए आरक्षित हो रही है। इस प्रकार से ये क्षैतिज रिजर्वेशन काम करता है, ये बड़ा समझने की जरूरत है। और ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 30% 4.2 आ रहा है, तो 4 सीट्स किसके लिए हो जाएंगी, महिलाओं के लिए ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस की बात होगी तो 30 सीटें, 3 सीटें इसमें 30% हो जाएगा, 3 सीटें, तो 3 सीटें किसके लिए हो जाएंगी, महिलाओं के लिए ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में। और ओपन के अंदर भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लगेगा, ये बात ध्यान रखना है, ओपन के अंदर भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लगेगा, यानी 53 अनरिजर्व के लिए है, ओपन है तो उसका भी 30% निकाला जाएगा, वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सीट रिजर्व रहेंगी जो जनरल कैटेगरी की है और महिला है। तो कितना हुआ ये 15 सीट्स के लगभग, क्या हो रहा है 16 सीट्स के आसपास, अगर इसका आप निकालेंगे 53 का 30%, तो 16 सीट्स किसके लिए होंगी, वुमेन के लिए रिजर्व होंगी अनरिजर्व के अंदर। अब ये समझिएगा कि इस प्रकार से काम करता है। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन तो आपने बताया कि ये मेन जो कुल पद हैं उस पर लगेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस पे लगेगा, वर्टिकल रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज हैं उनके भी अंदर लगेगा, ठीक। एक और अंतर है इसमें कि हमने कहा था कि वर्टिकल रिजर्वेशन यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट यदि अनरिजर्व सीट पर सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी सीट बरकरार रहेगी, लेकिन अगर वो हम क्षैतिज रिजर्वेशन की बात करेंगे, वुमेन की है, एक्स आर्मी की है, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप की है, फिजिकली हैंडीकैप है, ऑर्फन की है, इस प्रकार के जो रिजर्वेशन है इसमें कैंडिडेट सिर्फ अपने ही पद पर सेलेक्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं सेलेक्ट होगा। आप कहने का क्या मतलब है, माना 19 सीटें किसकी खाली हैं, एससी में 19 सीटें हैं रिजर्व, और 19 सीटों में 6 सीटें किसके लिए हैं, वुमेन के लिए हैं, तो महिलाएं क्या होंगी, सिर्फ 6 ही सीटों पर सेलेक्ट होंगी। अगर माना कि महिलाएं इससे ज़्यादा है एससी कैटेगरी में और वो एससी कैटेगरी के अन्य कैंडिडेट से भी ज़्यादा मार्क्स ले आती हैं तो भी वो 6 ही सीटों में काउंट होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वो 6 ही सीटों में, या आप इसको ले लीजिए ओपन में अगर महिलाओं के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं तो इसमें महिलाएं 16 सीटों पर ही आरक्षित होंगी। अब इसके बाद उनके कितने भी मार्क्स हों ये मैटर नहीं करता, उनके लिए सिर्फ 16 सीटें हैं। यही क्षैतिज रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंट पहलू है कि उसमें कैंडिडेट अपनी ही सीट पर फाइट करेगा, और जब उतनी सीटें भर जाएंगी, माना 16 महिलाओं से भर गई, उसके बाद महिलाओं को कितने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं है, लगातार क्यों नहीं है, लेकिन उसके बाद नहीं लिया जाएगा, इसको भी समझना है बात। तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं।